ब्रह्मर्हो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम सभी एक महान समाज सुधारक और जिन्होंने ये बात कही, नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो, और संपूर्ण भारत के राष्ट्र के पितामह कहे जाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी के एक महान ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका नाम है व्यवहार भानु। तो व्यवहार भानु का प्रयोजन और भूमिका हमने कल देखी थी। प्रयोजन सबसे मुख्य क्या था कि इसको पढ़ करके, पढ़ा करके, सुन करके, सुना करके जो भी मनुष्य हैं वह स्वयं भी सुखी रहें और अपने संबंधियों को, अभिभावकों को, विद्यार्थियों को भी सुखी रखने का प्रबंध करें। तो इस प्रकार का इनका प्रयोजन था। महर्षि दयानंद ने जो ये ग्रंथ लिखा है ये प्रश्नोत्तर शैली में लिखा है। इससे पहले के भी जो ग्रंथ हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं भारतीय परंपरा में जिसमें प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया गया है। जैसे आपने, बहुत सारे बच्चों ने प्रश्नोपनिषद को भी स्मरण किया है, तो उसमें क्या करते हैं, कोई एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति उनका उत्तर देता है। इसी शैली में महाभाष्य का भी प्रणयन किया गया। जो व्याकरण का महाभाष्य है उसमें भी इसी प्रकार की शैली है कि एक व्यक्ति जो है विद्यार्थी के रूप में प्रश्न पूछता है, दूसरा व्यक्ति उसका उत्तर देता है। तो प्रश्नोत्तर की शैली हमारे यहाँ से बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है, जिस शैली में इन्होंने ग्रंथ लिखा। और हम देखते भी हैं कि प्रश्नोत्तर शैली का जब प्रयोग करते हैं तो हमें जो सिद्धांत है वो और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तो इसी में सबसे पहला प्रश्न जो किया वो ये प्रश्न किया महर्षि दयानंद सरस्वती ने, स्वयं से ही वो प्रश्न भी कर रहे हैं। वो प्रश्न किस हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समाज का बहुत अधिक भ्रमण किया था। भ्रमण करके देखा कि लोग क्या क्या पूछ सकते हैं या उनके जीवन में किन किन प्रश्नों के संभावना होती है। उस संभावना के आधार पर पहला प्रश्न उद्भावित करते हैं कि कैसे पुरुष पढ़ाने और शिक्षा करने हारे होने चाहिए। गुजराती थे इसलिए उनकी हिंदी थोड़ी सी अलग है। कराने हारे मतलब कराने वाले होने चाहिए। और इन्होंने बोला कैसे पुरुष पढ़ाने और शिक्षा करने हारे होने चाहिए, तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति पढ़ाने वाले होते हैं, यहाँ पे पुरुष का मतलब सिर्फ पुरुष नहीं है, पुरुष का मतलब जो भी कोई है, यानी कि चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर वो शिक्षक है, यदि वो विद्या दे रहा है तो वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, इस प्रश्न को उठाया। ये प्रश्न आप सभी ने पढ़ लिया। तो उसके उत्तर में महाभारत के उद्योग पर्व का एक प्रमाण देते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में जो अध्याय 33 श्लोक 15, 33वें अध्याय के 15वें श्लोक को यहाँ पर उद्धृत करते हुए महर्षि दयानंद यहाँ पे बताते हैं। एक बार हम श्लोक बोलेंगे और आप लोग उसका अनुकरण करेंगे। आत्मज्ञानम समारंभस, आत्मज्ञानम समारंभस, तितिक्षा धर्म नित्यता, यमर्थानापकर्षन्ति, यमर्थानापकर्षन्ति, स वै पंडित उच्यते, स वै पंडित उच्यते। तो ये कह रहे हैं कि आखिर पढ़ाने वाले के लक्षण कैसे होने चाहिए और उसको फिर पंडित उच्यते ऐसे करके बता भी रहे हैं। तो पंडित शब्द का अर्थ भी मैं आपको इसके बाद में अर्थ के साथ साथ बताती हूँ। तो आत्मज्ञानम कैसा होना चाहिए पढ़ाने वाले के व्यवहार को, वह आत्मज्ञ होना चाहिए, अर्थात आत्मा संबंधित ज्ञान, यानी कि सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान उसको होना चाहिए। सिर्फ पढ़ाने वाला यदि अपने विषय विषय मात्र को जानता है तो वो उत्तम पढ़ाने वाला नहीं माना जा सकता। वास्तव में कोई भी विषय पढ़ाने वाला व्यक्ति साथ ही साथ अपने विषय के साथ ही साथ आत्मज्ञ भी होना चाहिए, अपने आप को समझने वाला भी होना चाहिए, सूक्ष्म तत्वों को समझने वाला भी होना चाहिए। तो सबसे पहला गुण पढ़ाने वाले का क्या बताया, आत्मज्ञान, यानी कि वो
आत्मा से परमात्मा से लेकर के जितने भी जीव और जगत के सूक्ष्म तत्व हैं, उन सबके विषय में विचार पूर्वक ज्ञान पूर्वक कर्म करने वाला, उनको जानने वाला होना चाहिए। क्या कहा? आत्म ज्ञानम। दूसरा गुण क्या बताया? समारंभ। समारंभ जो है वो पुरुषार्थ का पर्यायवाची है, या यूं कहें समारंभ का अर्थ क्या है यहाँ पर? पुरुषार्थ। तो दूसरा गुण क्या होना चाहिए पढ़ाने वाले में? पुरुषार्थ ही होना चाहिए। नित्य रूप से वह कर्म का करने वाला होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला गुण बता रहे हैं आत्मज्ञानम, दूसरा गुण बताया समारंभ। क्योंकि यदि पढ़ाने वाला ही आलसी हो जाएगा तब तो पढ़ने वाले की तो दशा ही बिगड़ जाएगी। इसलिए सबसे पहले जो शिक्षा देने वाले हैं उनका अत्यंत पुरुषार्थी होना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा बोल रहे हैं तितिक्षा। तितिक्षा किसको कहते हैं? सुख दुख को सहन करने का सामर्थ्य। सुख और दुख को सहन करने के सामर्थ्य का नाम है तितिक्षा। क्योंकि शिक्षक जब पढ़ाता है ना, तो शिक्षक तो बेचारा एक अकेला होता है और उसके सामने 20, 25, 30, 40, 100 विद्यार्थी होते हैं। एक व्यक्ति को इतने सारे लोगों का सामना करना पड़ता है, और विद्यार्थी कोई मशीन नहीं होते हैं ना, सभी विद्यार्थियों के अलग अलग भाव होते हैं, कोई किसी प्रकार से समझता है, कोई किसी प्रकार से, सबके अलग अलग स्थितियों में स्थितियां रहती हैं बच्चों की। तो इसलिए शिक्षक को कभी कभी विद्यार्थी इग्नोर भी कर देते हैं, उनकी बातों को नहीं समझते। एक ओर शिक्षक पढ़ा रहा है, दूसरी ओर विद्यार्थी खेल रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अध्यापक को सुख होगा कि दुख होगा उस समय? तो उसको वो भी सहन करने वाला होना चाहिए। अगर अध्यापक इतना दुखी हो जाए कि बोल दे मैं तो पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं तो ये पढ़ाने का कार्य ही छोड़ देता हूँ, तो ये अध्यापक का गुण नहीं है। अगर वास्तव में कोई अध्यापक होता है तो वो ये सब कुछ सहन करता है और करना पड़ता है, नहीं तो फिर विद्यार्थियों को पढ़ा नहीं सकते। ऐसे ही कुछ अच्छे भी विद्यार्थी होते हैं, वो अच्छे कार्य करते हैं तो उसको अच्छा भी लगता है, उसको भी सहन करता है। वो ऐसा नहीं करता कि उसे अच्छा लग रहा है तो फिर वो बहुत ही एक ही के ऊपर ध्यान देने लग जाए, अन्यों को छोड़ दे, ऐसा भी नहीं करता। तो वास्तविक शिक्षक में तितिक्षा गुण होना चाहिए। तितिक्षा का अर्थ क्या बताया? सुख और दुख को सहन करने का सामर्थ्य होना चाहिए, ठीक है। चौथा गुण कह रहे हैं धर्म नित्यता। धर्म में नित्यता अर्थात नित्य सेवन करने वाला होना चाहिए। किसका नित्य सेवन करने वाला? धर्म का नित्य सेवन करने वाला। धर्म क्या बताया था कल हमने? धृतिक क्षमा दम अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्य अक्रोध, ये धर्म के लक्षण हैं। और अगर धर्म को और छोटे में समझना है तो महर्षि व्यास ने एक जगह कहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। ठीक है, तो दूसरे को दुख देना ये क्या है? पाप है। और पाप क्या है? अधर्म है। और सभी को सुख देना और स्वयं भी सुखी रहना यह अधर्म है, ठीक है। तो छोटे शब्दों में समझना है तो ये समझ सकते हैं। फिर शिक्षक कैसा होना चाहिए, पढ़ाने वाला कैसा होना चाहिए? नित्य ही धर्म का सेवन करने वाला होना चाहिए, अधर्म का सेवन करने वाला नहीं होना चाहिए। यदि शिक्षक अधर्म का सेवन करने लग जाएगा तो शिक्षार्थी भी अधर्म का ही सेवन करेंगे, विद्यार्थी भी अधर्म का सेवन करेंगे। क्योंकि देखो भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं ना कि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वदा। वहां पर अर्जुन शिष्य की भूमिका में है, श्री कृष्ण किसकी भूमिका में है? शिक्षक की भूमिका में है। तो शिक्षक की भूमिका में वो कह रहे हैं कि मेरे ही वर्तमान अर्थात मार्ग को मनुष्य जो है वो अनुवर्तन करते हैं, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे अन्य मनुष्य करते हैं। यानी कि शिक्षक के ऊपर भी ये बात लागू होती है कि जैसा जैसा शिक्षक व्यवहार करता है शिष्य भी उसका अनुकरण करते हैं। कई बार आप लोग देखते होंगे कि यदि आप लंबे समय तक एक ही शिक्षक से पढ़ते रहें तो शिक्षक के बोलने का लहजा, उसके बात करने का लहजा,
तो उसके कई सारे व्यवहार आप में अनायास ही आने लग जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। ये सब क्या है? ये स्वाभाविक होता है, अनुकरण मनुष्य की प्रकृति है, प्रवृत्ति है उसकी। तो अभी तक कितने गुण बता दिए शिक्षक के? चार बता दिए। पहला कौन सा है? दूसरा समारंभ अर्थात, तीसरा तितिक्षा, तितिक्षा अर्थात सुख दुख को सहन करने का सामर्थ्य, और चौथा गुण क्या है? धर्म नित्यता। सप्तमी तत्पुरुष समास कर देंगे तो धर्म नित्यता, धर्म में नित्यता अर्थात धर्म का नित्य सेवन करने वाला होना चाहिए शिक्षक को। यम माने जिसको, अर्थाह माने विषय, विषय मतलब ये जो पंच महाभूतों से बने हुए संसार के जो वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सारे विषय। यम माने जिसको, ना माने नहीं। अपकर्षंति माने खींचते हैं, ये विषय जिसको नहीं खींच पाते हैं। विषय सारे के सारे अपनी ओर खींचते हैं ना, हम सुंदर सी नदी को देखते हैं तो मन करता है उसके पास चले जाएं और सब कुछ छोड़ करके बहुत देर तक बैठे रहें, या कोई बहुत स्वादिष्ट चीज बनी होती है तो लगता है आज तो पेट भरने के बाद भी खाते ही जाएं, ढेर सारा खा लें। तो वो क्या हो रहा है? वो जो स्वादिष्ट वस्तु है वो आपको खींच रही है ना, सुंदर सा कोई दृश्य आपको खींच रहा है ना, कहीं अभी बर्फ पड़ रही हो चंद्रबदनी में तो आपका मन खींचता है कि नहीं कि हम भी चलेंगे देख के आएंगे कि बर्फ गिर रही है। तो ये जो विषय हैं जिसको खींचते नहीं है, स्वाभाविक रूप से हम सुंदर प्रकृति में रहें ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उनके वशीभूत हो जाएं ये अच्छी बात नहीं है, है ना। तो यम माने जिसको, अर्थाह माने विषय, न माने नहीं, अपकर्षन्ति जिसको ये विषय अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, बंधन में नहीं डालते। स माने वह, वही माने निश्चय ही, पंडित पंडित, उच्यते कहलाता है, वह पंडित कहलाता है। कौन पंडित कहलाता है? जो आत्म ज्ञान से युक्त होता है, जो पुरुषार्थी होता है, जो तितिक्षा से युक्त होता है, और जो धर्म का नित्य ही सेवन करने वाला होता है। और पांचवा गुण बताया कि जिसको विषय अपनी ओर खींचते नहीं है, यानी कि वो विषय बंधनों से मुक्त होता है, वास्तव में उस व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। अब पंडित शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है, कोई बता सकता है आप में से? पंडित शब्द कैसे बना? एक शब्द आपने सुना होगा पंडा, सुना है? पंडा कहते हैं बुद्धि को, ये संस्कृत का शब्द है। पंडा किसको कहते हैं? और पंडा अस्य संजाता इति पंडितः, कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर, कौन सा प्रत्यय होगा? तदस्य संजातम तारकादिभ्यः इतच, इतच प्रत्यय होकर के पंडित शब्द बनता है। अब कैसे आगे बनेगा वो नवी कक्षा वाले विद्यार्थी जो है बहने वो देख करके आएंगी, कल बताएंगी। तो पंडित शब्द उसको किस अर्थ को कहता है कि पंडा से संजाता, जिसकी बुद्धि विकसित हो जाती है, जो बुद्धि से बहुत ही सबल होता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। तो पंडित के पांच लक्षण महाभारत के उद्योग पर्व के 33वें अध्याय के 15वें श्लोक के माध्यम से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमको बताए हैं। ठीक है, तो अच्छे शिक्षक की क्या पहचान होती है, एक बार पुनः एक बार सभी मिलकर के गायन करेंगे। आत्मज्ञानं समारम्भ शिक्षा धर्म नित्यता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। और कहीं कहीं पर इसका पाठ भेद भी मिलता है, स वै पंडित लक्षण, लेकिन स वै पंडित उच्यते, स वै पंडित लक्षणम, ये थोड़ा थोड़ा पाठ भेद है, कुल मिला के भावार्थ दोनों का एक ही है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है कि आखिर जो पढ़ाने वाले हैं वो कैसे होने चाहिए, उसके उत्तर में महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि जिसको परमात्मा और जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान हो, जो आलस्य को छोड़कर सदा उद्योगी, सुख दुखाति का सहन करने वाला, धर्म का नित्य सेवन करने वाला,
और जिसको कोई पदार्थ धर्म से छुड़ाकर अधर्म की ओर न खींच सके वह पंडित कहलाता है। यही लिखा हुआ है, तो उनके शब्दों को भी हमने पढ़ लिया और इसी बात को अन्य अन्य बातों से भी वो पुष्ट कर रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि आखिर पंडितों के और क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इसी बात को पुष्ट करने के लिए, उसके और लक्षण बताने के लिए फिर से महाभारत के उद्योग पर्व से ही ये 16वां श्लोक लिया और इस श्लोक को सभी मिलकर के बोलेंगे। निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि च सेवते अनास्तिकः श्रद्धानाय एतत् पण्डितलक्षणम्। फिर से एक बार बोलिए। निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि च सेवते अनास्तिकः श्रद्धानाय एतत् पण्डितलक्षणम्। निषेवते प्रशस्तानि, प्रशस्तानि माने अच्छे कार्यों को, प्रशस्त कार्यों को, ऐसे कार्य जो प्रशंसा के योग्य हैं, उनका निषेवते नित्य ही निश्चय पूर्वक सेवन करता है। जो मनुष्य प्रशंसनीय कार्यों को, अच्छे कार्यों को निश्चय पूर्वक सेवन करता है, और आगे क्या कह रहे हैं, निंदितानि न सेवते, और साथ ही साथ जो निंदित कार्य हैं उनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करता है। निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते, निंदित कार्यों का सेवन नहीं करता। आचार्य कभी भी निंदित कार्यों का सेवन नहीं करता, जो वास्तव में आचार्य कहलाने योग्य होता है। और आगे कहते हैं अनास्तिकः, वह अनास्तिक होता है। अब अनास्तिक शब्द को तोड़ेंगे तो न नास्तिकः अनास्तिकः, और नास्तिक कैसे बना, न आस्तिकः नास्तिकः। तो कुल मिला के इसमें दो बार समास करना पड़ेगा। सबसे पहले करेंगे न नास्तिकः अनास्तिकः, न नास्तिकः नास्तिकः, न आस्तिकः नास्तिकः। अब सही हुआ, न आस्तिकः नास्तिकः और न नास्तिकः अनास्तिकः। तो जो आस्तिक नहीं है उसे क्या कहा, नास्तिक, और जो नास्तिक नहीं है उसको क्या कहा, अनास्तिक यानी आस्तिक। तो अब इतना ही कहना था तो आस्तिका ही कह देते, अनास्तिका क्यों कहा, बात तो एक ही है, सीधे सीधे कह देते कि जो आस्तिक है। तो एक व्याकरण का सिद्धांत है कि दो बार नय का जब समास कर दिया जाता है तो उस बात को और दृढ़ता पूर्वक कहना चाहते हैं, ऐसा समझना चाहिए कि जो बिल्कुल भी नास्तिक नहीं होता। आस्तिक शब्द का अर्थ समझते हैं क्या होता है, आस्तिक शब्द का अर्थ होता है जो वेदादि शास्त्रों को और ईश्वर की सत्ता को मानने वाले लोग हैं वो आस्तिक कहलाते हैं, और जो वेदादि शास्त्रों को और ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं वो नास्तिक कहलाते हैं। आस्तिक शब्द बनता कैसे है, अस्ति इति एतादृशी मतिर्यस्य स आस्तिकः, नास्ति इति एतादृशी मतिर्यस्य स नास्तिकः। अस्ति ईश्वरः, अस्ति ईश्वरस्य कर्मफल व्यवस्था, अस्ति ईश्वरस्य एतादृशी संपूर्णा सृष्टिः, अस्ति वेदादि शास्त्राणि सन्ति, ज्ञानम् अस्ति एतादृशी मतिर्यस्य सः कः अस्ति। इस प्रकार की मति वाला व्यक्ति जो है वो आस्तिक होता है, और जो इस प्रकार की मति वाला व्यक्ति नहीं है, जैसे चारवाक कहते हैं ना, खाओ पियो मौज करो, आपने सुना है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं जब तक जीना है तब तक सुख से जी लो, चाहे उधार लेकर के ही घी पीना पड़े तो भी पी लो, है ना। क्यों, क्योंकि ये देह जो है ये तो एक दिन खत्म हो जाएगी, पता नहीं दोबारा आना हो या ना हो, तो जब तक हो तब तक अच्छे से मौज कर लो। तो ये जो ऐसा मानने वाले व्यक्ति हैं वो क्या कहलाते हैं, नास्तिक, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इस शरीर के पीछे भी कोई और सत्ता होती है। समझ आ रही है बात। तो और ये जो मैंने श्लोक बोला, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः,
ये किसका है, किस सिद्धांत का श्लोक है? चार्वाक सिद्धांत का। ये एक नास्तिक सिद्धांत है जो ना तो ईश्वर को मानता है, ना आत्मा को मानता है, ना सूक्ष्म तत्वों को मानता है। ठीक है, तो जो ऐसी बातों को मानने वाले होते हैं वो नास्तिक कहलाते हैं, और जो ईश्वर आदि को, ईश्वर की न्याय व्यवस्था को और संपूर्ण सृष्टि के तत्वों को, मूल तत्वों को, आत्मा को मानते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं? आस्तिक। तो पंडित के लक्षण में या पढ़ाने वाले के गुणों में क्या गिनाया? कि जो नास्तिक नहीं है, जो किंचित मात्र भी नास्तिक नहीं है, एक पल के लिए भी जो नास्तिक नहीं है, वह क्या है? वह पंडित है, वह अनास्तिक है। और साथ ही साथ श्रद्धान, और शास्त्रों में, वेदादि शास्त्रों में और हमारे जो सत्य विद्या के ग्रंथ हैं उनमें दृढ़ श्रद्धा रखने वाला है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? वह पंडित कहलाता है। ये पंडित के लक्षण है, एतत् पंडित लक्षणम्। ये सब क्या है? पंडित के लक्षण। तो दूसरा श्लोक, निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धधानः एतत् पंडित लक्षणम्। ये भी इस श्लोक में कुछ यही बातें बताई गई कि एक तो जो अच्छे कार्यों को करता है, बुरे कार्यों को नहीं करता है, और जो अनास्तिक है, जो हमेशा वेदादि शास्त्रों में, सत्य में, सत्य विद्याओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला है, वह ही पंडित कहलाने योग्य है, या ये सारे गुण जो हैं ये पंडित के लक्षण कहलाते हैं। एक बार पुनः श्लोक का पाठ करें। निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धधानः एतत् पंडित लक्षणम्। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? तो कुल मिला के अभी तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने दो श्लोकों का प्रमाण हमारे सामने रखा कि आखिर अच्छा व्यक्ति, अच्छा जो आचार्य है या पंडित व्यक्ति कैसा होता है। इन्हीं की पंक्तियों में यदि पढ़ें तो जो सदा प्रशस्त धर्मयुक्त कर्मों को करने और निंदित अधर्मयुक्त कर्मों को कभी न सेवने हारा, जो न कदापि ईश्वर, वेद और धर्म का विरोधी और परमात्मा, सत्य विद्या और धर्म में दृढ़ विश्वासी है, वही मनुष्य पंडित के लक्षण से युक्त होता है। इसका मतलब अन्य मनुष्य पंडित के लक्षण से युक्त नहीं होता। तीसरा श्लोक एक और दिया जिसमें भी पंडित के लक्षण बताए गए हैं, और श्लोक क्या है? क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति। इस सभी को एक साथ उच्चारण करेंगे। क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विद्यार्य सार्वं भजते न कामान् न संपृष्टो युपयुक्ते परार्थे तत्र ज्ञानं गृहं पण्डितस्य। क्षिप्रम विजानाति, क्षिप्रम माने शीघ्रता से, क्षिप्रम माने क्या अर्थ होता है? विजानाति माने जानता है, बहुत ही शीघ्रता से बातों को जान जाता है, समझ जाता है। क्षिप्रम विजानाति चिरम श्रृणोति, और दीर्घ काल तक बातों को अच्छी प्रकार से सुनता है। बिना सुने कोई अच्छी प्रकार से जान सकता है क्या? सबसे पहला शिक्षा प्राप्ति का उपाय क्या बताया गया है? श्रवण बताया गया है ना। तो जिसको श्रवण करना अच्छे से आ जाता है उसको आधी विद्या तो ऐसे ही अधिगत हो जाती है। तभी कह रहे हैं क्षिप्रम विजानाति चिरम श्रृणोति, बहुत देर तक ध्यान पूर्वक सुनता है। चिरम ध्यान पूर्वक और देर तक सुनने के सामर्थ्य से जो युक्त होता है, और क्षिप्रम विजानाति जल्दी से समझ जाता है किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को। आगे कह रहे हैं विज्ञाए चार्थम भजते न कामात, अर्थ को अच्छी प्रकार से जान करके, यानी कि वस्तु के व्यवहार को अच्छी प्रकार से जान समझ करके ही उसका सेवन करता है, न कामात कामना से नहीं, कि बस इच्छा हुई इसीलिए करना है। कई बार हमारी इच्छा होती है ना, मान लीजिए
कल ही हम इस पे बात कर रहे थे, किसी को डायबिटीज है और इसकी इच्छा हो रही है कि हमें रसगुल्ला खाना है, तो वो उसकी क्या है, कामना है। तो पंडित कौन होगा, जो बस खा लेगा इच्छा होने पर, या फिर वो सोच समझ के, नहीं मुझे डायबिटीज है, पहले मुझे योगासन करके अपनी डायबिटीज ठीक कर लेनी है, उसके बाद ये रसगुल्ला खाना है। तो कौन सा पंडित है, पहले वाला दूसरे वाला? दूसरे वाला है ना। तो यही महर्षि दयानंद जी हमको बता रहे हैं कि विज्ञायचार्थम भजते, अर्थम भजते, विषयों का सेवन तो करता है लेकिन किस कारण से करता है, कैसे करता है, अच्छी प्रकार से जान समझ करके ज्ञान पूर्वक अर्थों का सेवन करता है, सिर्फ इच्छा मात्र होने से अर्थों का सेवन नहीं करता। विज्ञाय च अर्थम भजते न कामात, कामात अर्थान न भजते, सिर्फ कामना होने से, इच्छा होने से वह विषयों का सेवन नहीं करता, अपितु जान बूझ करके, सोच समझ करके, अच्छा बुरा देखभाल करके ही वह विषयों का सेवन करता है। तो तीन श्लोकों के माध्यम से और भी वो पंडित के लक्षणों को बताएंगे। आज हमने पंडित के लक्षण के कितने श्लोकों को पढ़ा, तीन श्लोकों को पढ़ा, और तीन ही श्लोक और भी बाकी है जिनको हम अगले स्वाध्याय की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पर आइए सब लोग मिलकर के शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति।